रेशो शुरू करते हैं यार। रेशो शुरू करने से पहले तुम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि रेशो ना बेसिकली फ्रैक्शन को लिखने की दूसरी फॉर्म है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है 2/3, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो 2:3। इस साइंस से हम लोग रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशो का लॉजिक अगर हम लोग देखें ना, तो रेशो की लॉजिक ये है कि रेशोज ना बेसिकली दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा होता है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर चाय कोई बना रहे हो, तो अगर 1 किलो दूध डाल रहे हो तो 2 चम्मच चीनी डाल रहे हो, तो इस तरह हम लोग को समझ के आएगा कि अगर 2 किलो दूध डाल रहे हो तो 4 चम्मच जलेगी। तो इसी चीज़ को ना बेसिकली रेशो की फॉर्म में हम लोग करना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले चीज़ मैंने ये लिखी है, रेशोज आर यूज टू कंपेयर टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, इट इज़ डन बाई डिवाइडिंग दैम टुगेदर। मतलब वही चीज़ है, पहले हम लोग उन्हें डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में और फिर हम लोग फाइनल आंसर अपना रेशो की फॉर्म में दे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स हैव 4 एप्पल्स एंड 18 ऑरेंजेस, एक्सप्रेस द रेशो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस। या ये टू जो है ना, ये चीज़ हमें बताती है कि हमसे रेशो मांग रहे हैं। अब हमने करना क्या है, देखो हमें एप्पल की क्वांटिटी दी हुई है 4 और ऑरेंजेस की भी क्वांटिटी दी हुई है 18। तो तुम लोगों ने सिंपली करना क्या है, तुम लोगों ने 4 को डिवाइडेड बाय 18 कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो हमारा सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन जो आएगा 2/9। इससे आगे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम लोग रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 2:9। अब देखो ये हमारा आंसर जो है ना, ये हमें बता रहे हैं कि अगर 2 एप्पल हैं तो 9 ऑरेंजेस होंगे, यानी हर 2 एप्पल के लिए 9 ऑरेंजेस होंगे। अगर 4 एप्पल हैं तो 18 ऑरेंजेस होंगे, अगर 6 एप्पल्स हैं तो 27 ऑरेंजेस होंगे। तो रेशो जो होता है ना, ये किसी भी दो क्वांटिटी की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये सिर्फ हमें ये बताया कि हर 2 एप्पल के लिए 9 ऑरेंजेस हैं। अब वो आगे जितने भी एप्पल हों उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग दो क्वांटिटीज को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट यार, मैं स्क्रीन सही करूँ। हाँ, देयर आर टोटल 40 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ इस 28 वर गर्ल्स। ये वर नहीं है यार, आर है, मैंने वर लिख दिया गलती से। आउट ऑफ इस 28 आर गर्ल्स, एक्सप्रेस द रेशो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन हमें घुमाएगा फिराएगा किस तरह। हमें उसने बताया कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 28 गर्ल्स हैं। हमें कह रहे हैं कि रेशो बताओ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स का। यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स तो हैं 40, लेकिन बॉयज नहीं है। तो अब निकालेंगे किस तरह, यार देखो 40 स्टूडेंट्स है ना, 40 में से 28 गर्ल्स थी, तो अगर हमने बॉयज का रेशियो निकालना है तो हम लोग सिंपली 40 में से 28 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 12। इस तरह हम लोगों ने सबसे पहले अननोन क्वांटिटी निकाली। अब कह रहे हैं एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। तो देखो बॉयज टू टोटल का मतलब है, टू का मतलब है रेशियो। हम लोग बॉयज को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, बॉयज के नंबर थे 12 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 40। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 6 ज़ा 12, 2 20 ज़ा 40, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20। तो हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आ रही है फ्रैक्शन की, वो आ रही है 3/10। इसको तुम लोग रेशो की फॉर्म में लिखोगे 3:10। अब ये हमें बता रहे हैं कि हर 3 लड़कों के लिए 10 लड़कियां हैं क्लास में। अब लड़के जितने भी होंगे उसके हिसाब से लड़कियां बढ़ती जाएंगी। अगर 6 लड़के होंगे तो उन 6 लड़कों के लिए 20 लड़कियां होंगी, अगर 9 लड़के होंगे तो उनके लिए 30 लड़कियां होंगी। ये चीज़ बेसिकली हमारी पूरी रेशो की मोर और लेस होती है। अब देखो सबसे पहले आ जाओ, हमने एक चीज़ सीखी थी यूनिट कन्वर्जन चैप्टर 1 में, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वो रेशोज में बहुत आती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 40 सेंटीमीटर एज अ रेशो ऑफ 2 मीटर। यार 40 सेंटीमीटर को हमने एक्सप्रेस करना है एज अ रेशो ऑफ 2 मीटर। अब लॉजिकली अगर देखें तो हमने करना क्या होगा, 40 डिवाइड बाय 2, लेकिन देखो 40 जो है ना वो मीटर में और 2 जो है सेंटीमीटर में। ये चीज़ करना हमें अलाउड नहीं है, हम लोग पहले इन्हें हमेशा हमेशा सेम यूनिट्स में लाते हैं। अगर हम लोग अपने अभी यूनिट्स रिवाइज करें जल्दी से, तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, 4 यूनिट्स होते थे।
किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते थे, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। ये अभी हम लेफ्ट टू राइट गए इस वजह से मल्टीप्लाई किया, अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। तो देखो यार, सबसे पहले तो एक था 40 सेंटीमीटर और दूसरा था 2 मीटर। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि हमने सबसे पहले तो इनको सेम यूनिट्स में लाने। अब उसमें भी लाने की ना एक चीज़ है, तुम लोगों ने हमेशा हमेशा बड़े यूनिट की तरफ से छोटे यूनिट की तरफ जाने। देखो 2 मीटर जो है ना वो सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में शिफ्ट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, जिसका आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। देखो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने का क्यों बोल रहा हूँ, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह के सवाल ना ज़्यादातर ऐसे आते हैं जिसमें तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो उसमें मल्टीप्लाई करना आसान होता है एज कम्पेयर टू डिवाइड करना। तो इस वजह से हमने 2 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। ये तुम लोग ज़्यादातर कोर्स में यही करना कोशिश कि मल्टीप्लाई करो, डिवाइड की तरफ ना जाना। तो खैर 2 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया और दूसरा भी हमारा सेंटीमीटर में, 40 सेंटीमीटर एज अ रेशियो ऑफ 2 मीटर, यानी 40 डिवाइडेड बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 20, तो इसका आंसर आता है 2/5। और इसको, एक मिनट, कोई गलती की है मैंने? हाँ गलती ये की है, 2 10 ज़ा 20 होता है, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो हमारा इसका आंसर आता है 1/5, जिसको तुम लोग रेशियो की फॉर्म में लिखोगे 1:5। अच्छा देखो ये अभी हमने पहला काम किया है, आगे वो एक और चीज कह रहा था, हेंस स्टेट द वैल्यू ऑफ, हेंस पर जहां भी आ जाए ना इसका मतलब होता है कि हमने पीछे वाली पार्ट को यूज करते हुए आगे वाले आंसर निकालना है। हमने यहाँ पे रेशो निकाल लिया था, वो कह रहा है कि तुम लोग ने एन का आंसर दे। अब देखो एन है क्या, उसने पहले पार्ट में एक्सप्रेस 40 सेंटीमीटर एज अ रेशियो ऑफ 2 मीटर 1:n, तो 1 के नीचे 1 है और 5 के नीचे n है, तो बेसिकली एन की वैल्यू जो है ना यहाँ पे वो 5 है। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, सही 2 मार्क मिलते हैं इस चीज पे। एक्सप्रेस 20 मीटर, सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेस 20 मीटर एज अ रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर। यार ये हमने ऊपर यूनिट्स लिखे हुए, इसको फिर से ना नीचे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। देखो 20 मीटर एक यूनिट है, दूसरा किलो यूनिट है किलोमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़े यूनिट की तरफ से छोटे यूनिट की तरफ कन्वर्जन करेंगे। तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, तो हमें 2 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000 मीटर। क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस 20 मीटर एज अ रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर, तो 20 मीटर हमारा ये आ गया और 2 किलोमीटर की हमने कन्वर्जन कर ली, वो था 2000, तो इसको तुम लोग लिख लो 20 डिवाइडेड बाय 2000, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 200 ज़ा 200, तो हमारा फ्रैक्शन बचता है 1/100। इसको रेशो की फॉर्म में तुम लोग लिखोगे 1:100। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन कह रहा है हेंस स्टेट द वैल्यू ऑफ एन। अब एन कहाँ से आया, तो यार देखो गौर से सुनो, पहले वाले पार्ट में ना तुमने उसने तुमसे रेशो निकलवाया था, एक्सप्रेस 20 मीटर एज अ रेशो ऑफ 2 किलोमीटर, ये हमने कर लिया, इसका आंसर आया 1:100 इन द फॉर्म 1:n। देखो अगर वो एक रेशो तुम्हें क्वेश्चन में दे देना, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि पहला वाला रेशो जो इधर है वो इधर का भी पहला हो। तो देखो यहाँ पे 1 था, इधर भी 1 है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 1:n को 1:100 से, तो देखो 1 के नीचे 1 है, उसकी डिमांड के हिसाब से हम 1 के नीचे 1 ले आए, और एन के ऊपर क्या है 100, तो ये हमारी एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू आ गई आपकी 100। चीज याद रख लो, अभी हम लोग पीछे जो करके आए, जहाँ पे ना हमारी एक्चुअल क्वांटिटी होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल 4 एप्पल्स थे, 18 ऑरेंजेस थे, ये थ्रू रेशो में रेशो क्या था, 2:9। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो तुम्हें रेशो देगा और रेशो की हेल्प से हमने क्वांटिटी में जाना होगा। अब होता क्या है,
सबसे पहले ना, सबसे पहले कोई भी रेशो का सवाल हो, उसमें चार चीजें लाजमी होती हैं, चार रेशोज लाजमी होते हैं, जिसमें से दो रेशोज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन सामने सामने लिखे हुए होते हैं, और दो रेशो हिडन होते हैं जो तुम लोगों ने खुद ढूंढने होते हैं। ये क्या होते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो जरा पहले क्वेश्चन पे आओ। एमी एंड बेथ रिसीव्स $36 इन द रेशो 2:3। देखो, दो रेशो दे दिए तुम्हें उसने। एमी एंड बेथ को रेशो मिला है $36 में, किस रेशो में? 2:3। यहाँ पे जो पहला नाम है ना एमी, इसका रेशो है 3, दूसरा नाम जो है बेथ, इसका रेशो है 3। सॉरी, पहले का रेशो 2 था। तो दो रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसको यहाँ पे तुम लोग लिख लो। एमी का रेशो है 2, बेथ का रेशो है 3। अब दो को रेशो तो हमें क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन होते हैं। मसला पता है क्या है? दो रेशोज ऐसे हैं जो हिडन होते हैं, हमें दिख नहीं रहे होते क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होते हैं। वो दो रेशोज क्या होते हैं? देखो, दो काम करने हैं तुम लोगों ने। एक रेशो लिखोगे तुम लोग टोटल, और लिखोगे तुम लोग डिफरेंस। ये हिडन है। अब टोटल का क्या मतलब है? टोटल का ये मतलब है रेशो जो है ना तुम्हारे 2 और 3, इन्हें बेसिकली प्लस कर देना है। 2 + 3, तो 2 + 3 आएगा, 1 5 आएगा। फिर डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्ट करना। तो रेशो में जो बड़ी वैल्यू है ना, उसमें से छोटी वैल्यू तुम लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी 3 - 2, तो डिफरेंस आएगा 1। सबसे पहला काम तुम लोग ये करोगे, चार रेशोज लिख लिए, चारों रेशोज में से दो रेशोज तुम लोग को पता होते हैं, क्वेश्चन में सामने लिखे हुए होते हैं, फिर दो रेशोज हिडन होते हैं, वो तुम लोग कैसे निकालोगे? पहले उन दोनों रेशोज को प्लस कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, उन दोनों रेशोज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ये चार रेशो लिख लोगे। उसके बाद क्या करना है, इससे पहले उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ऑलवेज राइट अप द 4 रेशोज व्हेन डीलिंग विद एनी रेशो क्वेश्चन। ठीक है, चार रेशोज हमने लिख लिए, उसमें हमने लिखा है 2 out of 4 रेशोज आर गिवन इन क्वेश्चन। दो रेशो में सीधे सीधे गिवन थे, 2:3। दूसरा रेशो, तीसरा रेशो जो होता है वो होता है टोटल रेशोज का, यानी एड अप करने उन्हें, और तीसरा जो है वो है डिफरेंस ऑफ रेशोज, यानी आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो, ये चार रेशोज है ना, कोई भी रेशो का क्वेश्चन उठा लो, कोई भी उठा लो, उसमें से इन चारों रेशोज में से ना किसी एक की एक्चुअल क्वांटिटी गिवन होगी। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इन एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 1 एक्चुअल क्वांटिटी विल बी गिवन फॉर 1 ऑफ द रेशोज अबव। अब देखो क्या कह रहा था, एमी एंड बेथ रिसीव $36 इन द रेशो 2:3, वर्क आउट द नंबर ऑफ डॉलर्स दैट ईच ऑफ देम रिसीव्स। यार, ये जो $36 थे ना, ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी, और ये टोटल क्वांटिटी थी, ये 36 दो बंदों में डिवाइड होने थे। तो तुम लोगों ने पता है किया क्या, ये ऊपर चार रेशोज गिवन थे और तुम्हें एक एक्चुअल क्वांटिटी टोटल की गिवन थी, टोटल के तो नीचे तुम लोगों को इसकी क्वांटिटी पता चल गई कितनी है, $36। अब देखो, जब तुम लोग ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से रेशो की कौन सी क्वांटिटी गिवन है, तुम लोगों ने क्या करना है, ग्रिड बनाने। अभी मैं जितना बनाऊंगा, तो ऊपर भी मैंने ये लिखा है, मेक अ ग्रिड एंड पुट देम इक्वल्स टू। आ जाओ, एक ग्रिड बनाओगे रेशो, और दूसरा लिखोगे एक्चुअल। रेशो जब 5 था ना, तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी थी 36। अच्छा, ढूंढना क्या है, वर्क आउट द नंबर ऑफ डॉलर्स दैट ईच ऑफ देम रिसीव्स। यार, हमने देखना है कि एमी को कितने पैसे मिलेंगे, बैथ को कितने पैसे मिलेंगे। तो एमी का रेशो कितना था? एमी का रेशो था 2, रेशो की जगह तुम लोग लग दोगे 2, और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी मालूम करनी है तो वो एक्स है। इसको तुम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और बीच में इक्वल टू लगा दो। अब यार, हमने अभी सब्जेक्ट बनाने में एक चीज़ सीखी थी कि सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये एक्स इधर 36 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 इधर 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 5x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2, और x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। या मुझे इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है, 14.4 14.4 आएगा शायद। हाँ, अच्छा, ये देखो, अभी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, हमने x की क्वांटिटी किसकी रखी थी, एमी की एक्चुअल क्वांटिटी डॉलर्स की। ये पैसे जो है ना, ये अभी हमने एमी के निकाले, अभी हमने किसके नहीं निकाले, बैथ के। अब देखो, टोटल 36 थे, उसमें से 14.4 एमी को मिल गए, तो बैथ के तुम लोग कैसे सर निकालोगे, तुम माइनस भी कर 30 देंगे। उसमें से माइनस कर दोगे। बिल्कुल,
तो बैठ के तुम लोग निकालोगे 36 में से 14 माइनस 4, क्या आंसर आ रहा है? मुझे आंसर बता दो।22.6, 21.6, ठीक है जी, 22, 22.6, सॉरी। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू टीचर, पहले स्टूडेंट है फिर टीचर है, इस 3:4, तो स्टूडेंट का रेशियो 3 है और टीचर्स का रेशियो 4 है। दो रेशियो हमें हमेशा गिवन होते हैं, ये बात हमें पता है। तो स्टूडेंट का रेशियो है आपका 3, टीचर का रेशियो है आपका 4, फिर दो रेशियोज हमने निकालने होते हैं, एक टोटल और एक डिफरेंस। तो टोटल 3 प्लस 4 आपका होता है 7, और डिफरेंस में हम लोग दोनों रेशियोज को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका रेशियो है 1। 4 हमने रेशियोज लिख लिए। इफ देयर आर 12 टीचर्स, यार टीचर का रेशियो गिवन था और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी भी आ गई, तो टीचर के नीचे टीचर की एक्चुअल क्वांटिटी लिख लो कितनी है, 12, ये हमारी 12 आ गई। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हेंस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल। आ जाता है, पहले हमें दो क्वांटिटीज पता चल गई, एक रेशियो और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी। इसकी ग्रिड बना लो, ग्रिड में क्या करोगे, रेशियो और एक्चुअल लिखा, रेशियो था टीचर का 4 और एक्चुअल में टीचर्स थे 12। यार सबसे पहले क्या ढूंढना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का रेशियो था 3, तो रेशियो के नीचे तुम लोग लिख दोगे 3, और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता तो वो हो जाएगी एक्स। इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और बीच में इक्वल टू लगा दो, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एक्स इधर 12 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। एक्स इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा, का आंसर आता है x इक्वल टू 9। अच्छा देखो, ये एक्स जो था ना, ये स्टूडेंट की क्वांटिटी थी, ये एक्स स्टूडेंट की क्वांटिटी थी, तो ये है स्टूडेंट की क्वांटिटी। हमारा अभी एक पार्ट हुआ है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आगे क्या कहता है, हेंस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल। यार 12 टीचर हमें क्वांटिटी पहले गिवन थी और स्टूडेंट की आ गई 9, तो इन दोनों को तुम लोग प्लस कर दोगे, 12 प्लस 9, तो टोटल क्वांटिटी आपकी आ जाएगी 12 प्लस 9 इज 21 पीपल। अ शॉप सेल्स सीडीज एंड डीवीडीज, यार एक दुकान है जो सीडीज और डीवीडीज बेच रही है। इट सोल्ड अ टोटल ऑफ 728 सीडीज एंड डीवीडीज। अच्छा जी, यार उसने टोटल जो है ना 728 सीडीज और डीवीडीज बेची हैं। द रेशोज रेशो ऑफ सीडीज टू डीवीडीज इज 3:5। तो यार दो रेशोज हमें गिवन है, सीडी का रेशो है आपका 3 और डीवीडीज का रेशो है आपका 5। फिर दो रेशोज हम लोग ढूंढेंगे, एक टोटल 3 प्लस 5 इज 8, और एक रेशो हम लोग ढूंढेंगे डिफरेंस, 5 माइनस 3 इज 2। 4 रेशोज ढूंढ लिए। अच्छा हमें ना ऊपर क्वांटिटी उसने देती थी, इट सोल्ड अ टोटल ऑफ 728 सीडीज एंड डीवीडीज, तो टोटल की क्वांटिटी दे दी, टोटल की क्वांटिटी उसने हमें दी 728। तो अब ग्रेड बना लो, रेशो और एक्चुअल का, यार रेशो जब आपका 8 था ना, तो एक्चुअल में आपकी 728 सीडीज और डीवीडी सेल हुई थी। क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। तो यार सीडीज या डीवीडी से किसी का भी एक का रेशो निकाल लो और दूसरा रेशो हम लोग खुद ब खुद निकाल लेंगे, तो मैं सीडी का रेशो ले रहा हूँ 3, और इस पे एक्चुअल क्वांटिटी आपकी एक्स हो जाएगी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, बीच में इक्वल्स लगा दो, हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 728 मल्टीप्लाई बाय 3। x इक्वल टू 728 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। क्या मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, 273 273। अच्छा ये हमने रेशो लिया किसका था, सीडीज का, सीडीज का रेशो है तो क्वांटिटी भी किसकी है, सीडीज की। यार 273 सीडीज सेल हुई हैं, हमने दोनों की बतानी थी दोनों कितनी चीजें सेल हुई हैं। तो अगर 728 में से टोटल 728 प्रोडक्ट सेल हुई है ना, 728 में से अगर 273 सीडीज हम सेल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी डीवीडी की क्वांटिटी, तो इसको माइनस करो जरा, 455। ये 455 आपकी क्वांटिटी है डीवीडी।
728 टोटल था, 728 में से 273 आपकी सीडी सेल हुई और 455 आपकी डीवीडी सेल हुई। अच्छा यार, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए इन सब में अगर तुम लोग एक चीज नोट करो, तो हम जो चौथा रेशो निकाले ना डिफरेंस का, ये कहीं भी यूज नहीं हो रहा था। अब इसको यूज में लाते हैं, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। चार्ली एंड डिकेंस रिसीव द मनी इन रेशो 2:3। पहले इनके रेशो लिख लेते हैं। चार्ली का रेशो 2 है, डिकेंस का रेशो 3 है। टोटल इनका रेशो क्या आएगा, 2 + 3 = 5, और डिफरेंस में इनका रेशो आएगा 1। अब जरा क्वेश्चन पे आओ। डिकन रिसीव्स $50 मोर देन चार्ली। यार देखो, अगर चार्ली को एक्स मिला होगा ना, एक्स डॉलर मिले होंगे, दूसरे बंदे को $X से 50 ज्यादा मिले होंगे, तो इस चीज को ना हम डिफरेंस कहते हैं। अब वो वर्डिंग तुम लोगों के साथ यूज कर सकते हैं, मोर, ग्रेटर, लेस, स्मॉलर, मतलब कोई भी चीज जो आपका दो क्वांटिटीज में फर्क बता रही हो, कोई भी ऐसा वर्ड। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोर कॉमनली यूज होते हैं, मोर, लेस, ग्रेटर, स्मॉलर, इस तरह के। तो यहाँ पे आपका लगता है डिफरेंस का रेशो। तो ये हमारे पास जो डॉलर मोर 50 देन चार्ली है ना, ये डिफरेंस की एक्चुअल क्वांटिटी है 50। कैलकुलेट हाउ मच मनी ईच पर्सन रिसीव्स। यार सबसे पहले तो तुम लोग बना लोगे ग्रेट रेशो और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी। रेशो जब हमारा 1 था ना, तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी थी 50। हमने दोनों बंदों को बताने कितने कितने पैसे मिले, तो चार्ली का रेशो ले लेते हैं 2। चार्ली का रेशो 2 है, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी एक्स होगी। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बीच में इक्वल्स टू पुट करो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 50 × 2, एक्स इक्वल्स टू $100। देखो ये $100 जो है ना, ये चांदी को मिले। अब जरा क्वेश्चन अगर तुम लोग पढ़ो, तो क्वेश्चन में कह रहा था दोनों बंदों को मिले कितना रेशो, 2:3 में मिले, और डिकेंस को ना $50 ज्यादा मिले चार्ली से। तो अगर चार्ली को 100 रुपये मिले ना, डिकेंस को कितने मिले होंगे, 150 रुपये, तो डिकेंस को मिले होंगे 100 + 50 = $150 डी को मिले। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तुमसे पूछता कि टोटल कितने पैसे हैं, तो तुम लोग 100 में 150 को प्लस कर दे, तो तुम लोग का आंसर आ जाता है 250 टोटल अमाउंट ऑफ मनी। ये इस तरह से तुम लोग का डिफरेंस का यूज होगा। अभी इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि तुम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ इस कॉन्सेप्ट के साथ। बास्किन एंड रॉबिन रिसीव स्वीट्स इन द रेशो 2:5। दोनों के दो रेशो गिवन है, बास्किन को बी लिख लेते हैं, बी का रेशो है 2, और रॉबिन आर लिख लेते हैं, रॉबिन का रेशो है 5। टोटल जो इनका रेशो आएगा 5 + 2 = 7, और इनका डिफरेंस जो आएगा 5 - 2 = 3। यार देखो क्या कह रहा है, बास्किन रिसीव्स 75 लेस स्वीट्स। फिर वो कंपेयर कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को, यानी अगर रॉबिन को एक्स स्वीट्स मिली होंगी ना, तो बास्किन को मिली है उस एक्स में से 75 कम। तो ये कंपैरिजन का सवाल है, ये तुम लोगों का डिफरेंस का रेशो यूज करवाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी जो है ना, वो डिफरेंस ये कितनी है, 75। 75 लेस स्वीट्स देन रॉबिन, हाउ मच स्वीट्स डिड बोथ ऑफ देम रिसीव। यार वही काम है, तुम लोग ग्रेड बना लोगे, रेशो और एक्चुअल क्वांटिटी की। रेशो जब आपका 3 था, तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी थी 75। अब कोई भी एक रेशो उठा लेते हैं, एक काम करते हैं, बास्किन का रेशो उठा लेते हैं 2। बास्किन का रेशो 2 है और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी एक्स है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बीच में इक्वल टू लगाया, तो ये 2 आपका इधर 75 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x = 75 × 2, तो एक्स की वैल्यू आएगी 75 × 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 75 2s आपका होता है 150, 150 / 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। ये एक्स किसको था, एक्स हमने लिया था बास्किन का रेशो, तो ये 50 मिले हैं
बास्किन को, ये रेशो था बास्किन का। यार देखो क्या कह रहा था, बास्किन रिसीव 75 लेस, यानी ये बास्किन को जो मिले ना 75 कम स्वीट्स मिली है, तो दूसरे का निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें +75 कर देंगे। तो अगर हमने रॉबिन का निकालना है तो हमें पता है कि बास्किन को 50 मिले थे, और क्योंकि उसको 75 कम मिले थे तो हम लोग इसमें 75 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 125 स्वीट्स। कोई भी क्वांटिटी देगा और बोलेगा उसको ना डिफरेंट रेशोज में डिवाइड कर दो। क्या जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें, मोहसिन तलहा एंड फैजान रिसीव $28 इन द रेशो ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे भी मोर और लेस काम वही है। सबसे पहले तो मोहसिन का रेशो कितना है, 13, तलहा का रेशो है 12 और फैजान का रेशो है 10। तो अगर तुम लोगों ने इसका टोटल रेशो निकालना हो तो टोटल रेशो क्या आ रहा होगा, टोटल निकालने के लिए 13 + 12 + 10 करोगे, 13 + 12 = 25, 25 + 10 = 35। तो अगर टोटल रेशो निकलेगा यहाँ पे तो टोटल रेशो आ रहा होगा 35। अब देखो क्योंकि ये दो से ज्यादा क्वांटिटीज हैं तो इसका तुम लोग डिफरेंस नहीं निकालोगे, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटीज में होता है, कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटीज में होता है, तीन क्वांटिटीज में तुम लोग कभी भी डिफरेंस नहीं निकालोगे। अच्छा पहला क्वेश्चन देखते हैं, द मनी ईच पर्सन रिसीव्स बिफोर गिविंग द मनी टू देयर मदर। अच्छा असल में ये आगे जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बता रहे हैं कि जो उनको रेशो मिल रहा है ना उसमें से वो कुछ अमाउंट अपनी मदर को दे रहे हैं, इस चीज़ में हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि एक बंदे को कितना पैसा मिला है। तो देखो टोटल अमाउंट था 28, या अगर हमने मोहसिन का निकाल लो, हमने मोहसिन का निकाल लो, मोहसिन को कितना मिला, $28 का कितना रेशो, 13 रेशो मिला मल्टीप्लाई बाय 13, और टोटल रेशोस थे कितने, 35। तो तुम लोग इसको डिवाइड कर दोगे 35 से। यही काम तुम लोग करोगे तलहा के लिए, तलहा का निकालने रेशो, तो टोटल पैसे थे 28, तलहा का रेशो कितना था, तलहा का रेशो था 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय टोटल रेशो कितना था, 35। यही काम तुम लोग फैजान के लिए करोगे, फैजान को मिलने थे $28 में से कितने रेशो, 10 रेशो मिलने थे उसको और टोटल थे 35। आंसर है 10.4 इसको मिलेंगे। फिर तलहा का अगर रेशो निकालने तो 28 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 35 इसको मिलेंगे 9.6, और फैजान का अगर शेयर निकालने तो 28 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 35 तो इसको मिलेंगे $8। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ 28 को तीन बंदों में डिवाइड करना था इस रेशियो के हिसाब से। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें जो टोटल अमाउंट दिया हुआ होता है हम लोग उसको रेशियोज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 28 को मोशन के रेशियो में डिवाइड करना था तो हमने मल्टीप्लाई किया मोशन के रेशियो से, वो कितना था 13, मल्टीप्लाई बाय 13 किया, और क्योंकि क्योंकि हमने टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई किया तो हम टोटल अमाउंट का रेशियो भी उससे डिवाइड करते हैं, टोटल अमाउंट का रेशियो जो था ना वो था हमारा 35। फिर तलहा का भी यही काम किया, 28 को मल्टीप्लाई किया तलहा के रेशो से और डिवाइड कर दिया टोटल रेशो से, फैजान को भी 28 से मल्टीप्लाई किया उसके रेशो से जो 10 था और डिवाइड कर दिया टोटल रेशो से 35, तो उसका आंसर आ गया 8। अब देखो आगे की अगर हम इंफॉर्मेशन पढ़ें, मोहसिन गिव्स क्वार्टर ऑफ हिज शेयर। देखो ये वर्डिंग्स के ना तुम लोगों को मतलब पते होने चाहिए यार, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, कभी भी क्वार्टर आए क्वार्टर का मतलब है 1/4, उसके बाद क्या कह रहे हैं, मोशन गिव्स क्वार्टर ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना। एक और वर्ड तुम लोग देख लो, ऑफ जहां पे भी लिखा होगा उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई करना है, तुमने मल्टीप्लाई किसको किससे करना है, गिव्स क्वार्टर ऑफ हिज शेयर यानी 1/4 ऑफ हिज शेयर टू हिज मदर। यार उसका शेयर था कितना, मोशन का शेयर था 10.4, तो हमने यहाँ पे 10.4 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, तो इसका आंसर आएगा 10.4 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2.6। ये वो पैसे हैं जो मोहसिन ने अपनी मदर को दिए। अच्छा तलहा गिव्स हाफ ऑफ हिज शेयर, हाफ का मतलब है 1/2, हाफ का मतलब है 1/2, तो हाफ का मतलब है 1/2
ऑफ का मतलब वही, ऑफ जहां पे भी तुम लोगों को देखे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, तलहा के शेयर से। तो तलहा का शेयर था कितना, 9.6। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 4.8। मोहसिन ने दिए 2.6, तलहा ने दिए 4.8। आखिरी में क्या कह रहा है, फैजान गिव्स 1/8। अब देखो ये चीजें जो है ना, दो नंबर्स को वो कंपेयर अगर करें, जैसे यहाँ 1 है और फिर 8 है, ये आपका फ्रैक्शन बनता है। पहला नंबर ऊपर, तो 1 का मतलब है 1 ऊपर, 8 का मतलब है 8 नीचे। इसलिए अगर वो बोलता 2/3 तो होता 2/3, अगर बोलता 1/4 तो बोलता 1/4। और इससे आगे कुछ भी वर्ड दे सकते हैं, दो नंबर को बस जब भी वो कंपेयर कर रहा हो ना, तो पीछे वाला नंबर ऊपर और बाद वाला नंबर नीचे। तो हमने बेसिकली 1/8 का मतलब है 1/8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, फैजान के शेयर से। तो 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे फैजान के शेयर से, वो कितना था, 8। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 रुपये। हमने इस क्वेश्चन में यही करना था, द अमाउंट ईच पर्सन गिव्स टू हिज मदर। अपना पहला बंदा जो है मोहसिन, मोहसिन देगा $2.6, तलहा देगा $4.8 और फैजान देगा $1। थर्ड पार्ट पे आता है, द अमाउंट सर मदर क्वेश्चन रिसीव्स, आएगा पेपर, क्या चीज ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा पेपर में? अच्छा यार, रेशो के 4 से 5 मार्क के होते हैं। अच्छा जी, द अमाउंट मदर रिसीव्स एज अ रेशो ऑफ टोटल अमाउंट, यानी हमने मदर रेशो टोटल बताना है। अब मदर को टोटल पैसे मिले कितने, मदर को 2.6 ये मिले, 4.8 इधर से मिले और 1 इधर से मिला। तो पहले तो मदर का शेयर लिख लो, मदर का शेयर है $2.6 प्लस 4.8 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा, एक मिनट देख लेते हैं, 2.6 प्लस 4.8 प्लस 1, तो ये आपका आएगा 8.4। ये है मदर का शेयर। टोटल अमाउंट कितना था यार इन सबके पास, टोटल अमाउंट था $28। $28 हम लोग लिख लेंगे टोटल अमाउंट में, हमने रेशो में बताने, रेशो क्या था, द टोटल अमाउंट मदर रिसीव्स एज अ रेशो ऑफ टोटल अमाउंट, यानी मदर ऊपर और टोटल अमाउंट उसके नीचे। 8.4 डिवाइडेड बाय 28। यार देखो ऊपर डेसिमल है नीचे डेसिमल नहीं है, ऊपर अभी आपके एक डेसिमल प्लेस है, नीचे आपके एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, तो हम लोग नीचे 0.0 लगाएंगे, हम लोग नीचे लगाएंगे 0.0। अब देखो ऊपर भी एक डेसिमल प्लेस आ गई और नीचे भी एक डेसिमल प्लेस आ गई। जब डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो जाती है ना, तो हम लोग क्वेश्चन से ये डेसिमल हटा देते हैं, तो ये आपका बनेगा 84/280। ये करवाने की वजह ये थी कि तुम लोगों को डेसिमल की डिवीजन करनी आनी चाहिए। 3 3 to 10 3:10 ये आपका आया, 3:10। हम लोग इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, 3:10। इसका मतलब है कि मदर को हर 10 रुपये में से 3 रुपये मिल रहे हैं, अगर 20 होते तो 6 रुपये मिल रहे होते। ये बेसिकली हमारा रेशो का पर्पज होता है।